एक संत हुए जिनका नाम था योगानंद सरस्वती। ग्वालियर के पास कहीं उनका स्थान आज भी मौजूद है। उनको योग में ज्यादा रुचि थी और चेतन समाधि सीखना चाहते थे। वो इस आशा में भ्रमण करते रहते कि कोई सिद्ध गुरु योगी मिल जाए और मुझे योग सिखाए। घूमते घूमते उन्हें सीतापुर के अरण्य में कोई योगी मिल गए। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना की कि महाराज मुझे योगी बनना है, चेतन समाधि सीखनी है। योगी ने कहा कि जितना मैं जानता हूँ उतना तो तुम जानते ही हो। अब बात रही सिद्ध योगी बनने की, चेतन समाधि सीखने की, तो सिद्ध योगी गुरुओं को समाज पहचानता ही नहीं। ऐसे सिद्ध योगी समाज में आते भी नहीं। इधर तो कोई ऐसे योगी नहीं है, परंतु मेरे ध्यान में एक जगह है जहाँ सिद्ध योगी रहते हैं। वो जगह ऐसी है जहाँ साधारण जन नहीं पहुँच सकते। योगानंद ने कहा, महाराज कृपा करके उसका पता दीजिए। योगी का दर्शन भी पाप नाशक होता है। अगर वे कृपा कर देंगे और मुझे योग सिखा देंगे तो फिर मैं देशवासियों की सेवा करूंगा, उन्हें उन्नत करूंगा। योगी ने कहा, ऐसा करो, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के रास्ते जाओगे तो विष्णुप्रयाग आएगा। विष्णुप्रयाग से तुम्हें पूर्व दिशा में जाना होगा। वहाँ मृत्युस्त पहाड़ है। उस पहाड़ की गहराई में तुम चले जाना, वहाँ आगे बढ़ते रहना। दुर्गम मार्ग पार करने के बाद तुम्हें सिद्ध योगी के दर्शन होंगे। इस प्रकार का पता उन योगी ने योगानंद सरस्वती को समझा दिया। अब योगानंद की ही भाषा में, मैं विष्णुप्रयाग तक पहुंचा, फिर पूर्व की ओर चलते चलते पहाड़ी लोगों से पता लगाकर उस पहाड़ तक आखिरकार पहुंच गया। फिर उस पहाड़ की गहराई में गया। मुझे बताए गए वे चिन्ह मिलते रहे। मेरा हौसला भी बढ़ता गया और आश्चर्य भी हुआ कि यहाँ ऐसी जगह में कोई योगी कोई मनुष्य कैसे रह सकता है। बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ, कोई भी नहीं था। फिर सोचा कि समर्थ योगी तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई ना हो। वे वायु पीकर भी जी सकते हैं, संकल्प बल से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे योगी भी होते ही हैं, ये सब मैंने सुना है। मैं चलता गया और चलता ही गया। आगे दो तीन मार्ग मिले। अब किस ओर जाना है ये किससे पूछूं? बड़ी ही उलझन थी। मैंने स्वर ज्ञान का उपयोग किया। जो स्वर चल रहा था उसी तरफ से रास्ता चला। आगे एक लंबी सी गुफा आई, 50-60 फीट लंबी होगी, 15-20 फीट चौड़ी भी होगी। मैं उसमें घुसकर लांगते हुए आगे बढ़ा। उसके दूसरे छोर पर दो पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा रास्ता था। उसे लांघा तो चारों तरफ अंधेरा था। थोड़े आगे सूर्य के किरणों जैसा आभास हो रहा था। पानी के चश्मे की कलकल आवाज आ रही थी। मुझे भय भी लगा, फिर उत्साह भी बना कि मैं ऐसे योगियों से मिलने जा रहा हूँ जो दुर्लभ है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते हुए मैं पानी की जगह तक पहुंच गया। आगे कोई रास्ता नहीं था। बीच में पानी का चश्मा छोटा सा तालाब जैसा बना हुआ था। मैंने हिम्मत की, अंदर उतरा। घुटने भर तक पानी था। उसे लांघकर ही मैंने पार किया। सामने जो पत्थर था उसमें एक छोटा सा सुरंग जैसा छिद्र था जिसमें चलकर या बैठकर जाया नहीं जा सकता था। ये सब उन सीतापुर वाले योगी के बताए हुए चिन्ह ही प्रकट रूप में पाए गए थे, इसलिए मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया। जैसे सांप रेंगते हुए जाते हैं, ऐसे ही मैं लंबा होकर सोते हुए अपने शरीर को आगे तक ले गया। वहां बिल्कुल अंधेरा था, आगे रास्ता सूझता ही नहीं था। मुझे भय भी लगा, मौत जैसे बगल से गुजर रही थी। वापस आने को सोचा मगर ये संभव नहीं था। वापस कैसे लौटूंगा, और वापस लौटने का कोई मतलब भी नहीं था। मैंने सोचा, अब पैर आगे बढ़ा ही दिए हैं तो फिर इस पार या उस पार। रेंगते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ पाया कि सुरंग जैसा छिद्र पूरा हो गया। आगे जैसे एक खड्डा है, मगर वो कितना गहरा है ये मुझे पता नहीं। वहां निरा ही अंधेरा था। आगे शरीर को झुकाकर हाथ पहुंचाने की कोशिश की, मगर हाथ को जमीन का स्पर्श नहीं हुआ। अब आगे क्या है ये देखने के लिए थोड़ा और बढ़ा तो धड़ाम से सिर के बल गिर गया, मगर देव योग से वो 4-5 फीट की गहराई थी। रेत जैसा कुछ बिछा हुआ था इसलिए मुझे चोट नहीं आई। मैं संभल कर और धीरे से आगे बढ़ने लगा। आगे क्या देखता हूँ कि कोई मनोहर ध्वनि आ रही है। कभी नुपुर की छनकार तो कभी ताली पीटने का स्वर, कभी ओमकार की गुंज। अबीज अनुभव था उस ध्वनि का। थोड़ा हल्का सा प्रकाश भी प्रतीत हुआ। इधर उधर देखकर जहाँ से आवाज आ रही थी मैं उस ओर ही आगे बढ़ा। उधर जाने पर मैंने पाया कि छोटी सी खुली जगह है। कुछ मनोरम फूल आदि लगे हुए हैं। गुफा जैसा कुछ दिख रहा था। वहाँ दो योगी बैठे थे, एक की लंबी सफेद दाढ़ी और दूसरे योगी की काली दाढ़ी और नाटा शरीर।
सफेद दाढ़ी वाले पुराने योगी मालूम होते थे और उनकी काया लंबी थी। काली दाढ़ी वाले छोटे कद के थे, दोनों समाधिस्थ थे। मैं वहां जाकर बैठ गया और अदब से बैठा ही रहा। 3 घंटे बीते होंगे तब युवान योगी ने आंखें खोली और कहा, अच्छा तुम आए हो, इधर कैसे पहुंच गए? मैंने उन्हें परिचय दिया और जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। मैं सोच रहा था कि यहाँ भोजन कहाँ से मिलेगा। इतने मेरे योगी बोले, उधर की ओर बटलोई में ढका हुआ पड़ा है, जितना जरूरी हो उतना ही लेना, झूठा मत डालना, झूठा कुछ भी छोड़ना मत, प्रसाद का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। उनकी आज्ञा पाके खाने के लिए उठ गया। मेरे मन में हुआ कि बटलोई में कुछ कंदमूल रखे होंगे, यहाँ तो और क्या ही मिल सकता है। मगर ज्यों ही बटलोई के ऊपर का ढक्कन उठाया तो देखा कि वही बूंदी के लड्डू और नमकीन जो मुझे बहुत प्रिय था और रास्ते में खाने के लिए मैं साथ लेकर चला था और जिसे रास्ते में ही मैंने खत्म कर दिया था, वही मुझे सामने दिख रहा था। मैं सोचने लगा कि यहाँ तक कैसे आ गए। मनभावन स्वादिष्ट भोजन देखकर मैंने लपक कर उठाना शुरू किया। याद आया कि जितना जरूरी हो उतना ही लेना। एक लड्डू और थोड़ा सा नमकीन मैंने ले लिया, मगर भूख तो जोरों की थी। मुझे लगा कि इतने से शायद मेरा पेट नहीं भरेगा और फिर झूठे हाथों से लूंगा भी कैसे, तो मैंने सोचा कि एक लड्डू और ले लेता हूँ और थोड़ा सा नमकीन भी। मगर फिर से मन में सोचा कि अगर और लड्डू चाहिए हुए तो बाद में कैसे लूंगा, तो मैंने एक लड्डू और ले लिया और वैसे प्रतिदिन के भोजन की अपेक्षा दुगना ही परोस लिया। मुझे कुछ भूख ज्यादा ही थी, मगर आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने थोड़ा नमकीन और एक लड्डू भी पूरा न खाया और मेरा पेट भर गया। अब हुआ कि ये तो झूठा रह गया, अब मैं इसका क्या करूंगा। वहां मुझे योगी देख नहीं पा रहे थे पर मैं उन्हें देख सकता था। बचा हुआ भोजन धीरे से पानी के कुंड में मैंने डाल दिया, फिर मुंह पोंछकर कुल्ला करके मैं वापस आकर योगी के पास बैठ गया। योगी ने पूछा, भोजन प्रसादी ले ली? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, कुछ बचाया तो नहीं, झूठा तो नहीं डाला? मेरा दिमाग चकराने लगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी जा रही थी। मैंने वहां अकल लड़ाना शुरू की और बातें बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, महाराज भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, मेरा प्यारा भोजन मुझे मिल गया। ऐसा कहकर मैंने वो बात टाल दी। योगी ने सोचा कि अच्छा, योग सीखने आए हो और कपट को साथ लेकर आए हो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा बैठो, योग सीखना है ना, तो इधर बैठ जाओ, पद्मासन लगाओ। पेट भरा है और पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तुम सिद्धासन में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान धरो। मैंने आंखें बंद करके यूं ही ध्यान करने की कोशिश की, क्यों ही जोर से शोरगुल सुनाई पड़ने लगा। गंगे मात की जय, काली कमली वाले बाबा की जय, हर हर महादेव। मैंने सोचा, ये क्या? कुतूहलवश मैंने आंखें खोली और फिर मैं देखता क्या हूँ। आंख बंद की थी तो मैं विष्णुप्रयाग से दूर पर्वत की गुफा में था और अब जब मैंने आंखें खोली है तो मैं ऋषिकेश के घाट पर बैठा हुआ हूँ। फिर 3 बार मैंने उस पर्वत की ओर जाने की कोशिश की, मगर मुझे वो पर्वत और वो गुफा फिर कभी नहीं मिली। ये खटका मुझे अभी भी लगा हुआ है। ऐसे योगी भी हैं जो संकल्प बल से कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने सोचा, अगर उस दिन मैंने कपट को साथ ना रखा होता और सच्चाई कह दी होती तो शायद उन योगी जी के सानिध्य में आज मैं अपने जीवन को उन्नत बना रहा होता। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।